नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मुझे काफ़ी दर्शकों के द्वारा इंडेक्स ट्रेडिंग से संबंधित क्वेरीज मिलती हैं। दोस्तों इसमें कुछ कॉमन क्वेरीज होती हैं कि क्या हम किसी भी इंडेक्स के अंदर कैश सेगमेंट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको किसी भी इंडेक्स के अंदर अगर ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको डेरिवेटिव सेगमेंट का इस्तेमाल करना होता है, मतलब वहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन के द्वारा आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं इंडेक्स के अंदर। दोस्तों कुछ दर्शक पूछते हैं कि अगर हमें मान लीजिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, हम किसी छोटी वैल्यू या कम अमाउंट से इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना चाहें, क्या ये संभव है? इसके अलावा दोस्तों मैंने अपनी वीडियोस के द्वारा हेजिंग के बारे में बहुत बार चर्चा किया है और दर्शकों का एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि क्या हम कैश सेगमेंट के अंदर हेजिंग कर सकते हैं, मतलब अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहते तो क्या हम कैश के द्वारा अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। दोस्तों कुछ दर्शक होते हैं जब वो अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उन्हें परमिशन नहीं मिलती फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने की, उसके पीछे कई कारण होते हैं। दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में अपनी एक लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी बताया था कि सेबी जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर बहुत सख्ती बरत रहा है। अभी रिसेंटली दोस्तों मार्जिन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज की गई है और उसको इनकम से लिंक किया जा रहा है अगर कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर अगर ट्रेड करना चाहता है। दोस्तों वहां पर हो सकता है कि काफी दर्शकों को परमिशन ना मिले आने वाले समय में, या कुछ दर्शकों ने मुझे कमेंट के द्वारा भी बताया कि उनका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट है या मॉड्यूल है वो डिसेबल कर दिया गया है, या जो नए अकाउंट्स खोले जा रहे हैं उसके अंदर उनको परमिशन नहीं मिली। तो हम किस तरीके से इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं अगर हमें मान लीजिए कोई परमिशन नहीं मिलती फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने के लिए। और एक और सवाल दोस्तों जो रिटेल निवेशकों के द्वारा पूछा जाता है कि क्या हम किसी इंडेक्स के अंदर कैश सेगमेंट के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, दोस्तों उसका जवाब भी हां है, पर वो किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेरीज मुझे पिछले कुछ समय से मिल रही थी, तो आज के इस वीडियो में मैं इन सभी का जवाब दूंगा। दोस्तों मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि इन सभी तालों की जो चाबी है या इन सभी क्वेरीज का जो जवाब है वो छिपा हुआ है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर, ETF के अंदर, क्योंकि दोस्तों इन सभी क्वेरीज का जवाब किसी ना किसी तरीके से लिंक होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से या ETF से। दोस्तों ETF को इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन ये एक बहुत काम का इंस्ट्रूमेंट है। दोस्तों अगर आप ETF का इस्तेमाल अपनी ट्रेडिंग में करते हैं स्टॉक मार्केट में, दोस्तों वहां पे आप काफी मुनाफा कमा सकते हैं, उसके द्वारा आपके काफी सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेजिंग भी पॉसिबल है ETF के द्वारा, तो ये सब किस तरीके से कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको कह लीजिए 7 बेनिफिट या 7 सीक्रेट बताऊंगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETF से संबंधित, और उसका इस्तेमाल आप इंडेक्स ट्रेडिंग में किस तरीके से कर सकते हैं, कैश सेगमेंट में रिटेल निवेशक किस तरीके से ETF का फायदा उठा सकता है, इन सभी बातों की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। अगर आप स्टॉक मार्केट को फ्री में सीखना चाहते हैं, जो भी जानकारी या नॉलेज आपको किसी पेड कोर्स के अंदर 50 या 60 हज़ार रुपये लेके सिखाई जाती है, उससे 100 गुना ज़्यादा नॉलेज आप इस चैनल के ऊपर फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप सब्सक्राइब के ऑप्शन को अभी क्लिक करें। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर कि क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं इंडेक्स में और वो भी कैश सेगमेंट के अंदर। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये पॉसिबल है ETF के द्वारा। दोस्तों आप ETF को इंट्राडे के अंदर जिस तरीके से आप स्टॉक्स को या शेयर्स को शॉर्ट करते हैं या बाय करते हैं इंट्राडे के लिए, आप उसी तरीके से ETF को शॉर्ट भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए दोस्तों मुझे आज लगता है कि इंडेक्स नीचे जाएगा, सेंटीमेंट्स नेगेटिव हैं और मैं डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं करना चाहता, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं यहां पे बहुत कम वैल्यू से बहुत कम पैसा लगा के इंडेक्स को शॉर्ट भी कर सकता हूं और वहां पे मुनाफा कमा सकता हूं। दोस्तों यहां पे जो डिनोमिनेशन है उसके अंदर आप 1/10 या 1/100 के डिनोमिनेशन में भी ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आज इंडेक्स
इंडेक्स, इंडेक्स मतलब निफ्टी 50। एग्जांपल के तौर पे मैं इस वीडियो में इंडेक्स को निफ्टी 50 से कंपेयर करूंगा या निफ्टी 50 का इस्तेमाल करूंगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए निफ्टी 50 आज मुझे लगता है कि नीचे की तरफ जा सकता है, तो वहां पे अगर आज इसकी वैल्यू जो है या आज ये जो जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है 11,000 के लेवल पे, तो आपको ऐसे ETF भी मिलेंगे जहां पे आप 1100 रुपए के ऊपर बाय कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं एक यूनिट, या कुछ ETF आपको 1/100 की वैल्यू पे भी ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। तो यहां पे केवल 110 रुपए पे आप बाय या सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप निफ्टी इंडेक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी कम पैसा लगा के, कम डिनोमिनेशन पे या कम वैल्यू के ऊपर। तो इससे क्या है कि दोस्तों जो काफी सारे रिटेल निवेशक जो कि रिस्क अवर्स होते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 का है, वहां पे शायद आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम हो, लेकिन दोस्तों आपका रिस्क वहां पे बहुत ज्यादा होता है और आपका जो मार्जिन या जो आपके पैसे पड़े हुए हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर एक शार्प मूवमेंट देखने को मिले दोस्तों कुछ मिनट्स या कुछ पलों के अंदर आपको काफी भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ज्यादा नुकसान या ज्यादा फायदे का आपको लालच नहीं है, आप कम डिनोमिनेशन या कम वैल्यू से निवेश करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं निफ्टी के अंदर या किसी भी इंडेक्स के अंदर, तो आप ETF के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहां पे आप अपना रिस्क खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि डेरिवेटिव्स में आप अपने रिस्क को गॉज नहीं कर पाते, लेकिन कैश सेगमेंट के अंदर आप अपने रिस्क को गॉज कर पाते हैं। और वहां पे अगर आप मार्जिन नहीं लेना चाहते तो आप मार्जिन मत लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप किसी भी इंडेक्स को इंक्लूडिंग निफ्टी 50 उसको शॉर्ट कर सकते हैं ETF के द्वारा। अगर आज मुझे लग रहा है कि निफ्टी 50 नीचे जाएगा तो मैं ETF के द्वारा उसके अंदर बेनिफिट ले सकता हूं, मुनाफा कमा सकता हूं। लेकिन दोस्तों यहां पे एक महत्वपूर्ण बात का आप ध्यान रखिएगा, केवल उसी ETF के अंदर ट्रेड करिए जिसके अंदर डिसेंट वॉल्यूम हो। अगर आप किसी ऐसे ETF के अंदर ट्रेड करेंगे जहां पे वॉल्यूम्स बहुत कम है, तो हो सकता है कि आपका मुनाफा जो है वो कम हो जाए, क्योंकि अगर किसी भी ETF के अंदर कम वॉल्यूम्स ट्रेड होती हैं तो वहां पे हो सकता है आपको बाय या सेल करने में दिक्कत आए, या हो सकता है आपको कोई बायर ना मिले या कोई सेलर ना मिले। तो इसलिए ऐसे ETF का चयन करिए जिसके अंदर जो वॉल्यूम्स हैं वो काफी डिसेंट हैं, ताकि आप अपनी पोजीशन को बहुत आसानी से स्क्वेयर ऑफ कर सकें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो रिटेल निवेशक बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेड करना चाहते हैं निफ्टी के अंदर या किसी भी इंडेक्स के अंदर, वो ETF के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं और वहां पे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस पॉइंट के अंदर बताया। दोस्तों यहां पे दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जिसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं करता या रिटेल निवेशकों को नहीं बताया जाता, वो है दोस्तों हेजिंग। आप ETF के द्वारा हेजिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये हेजिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको अपनी टेक्निक बता देता हूं। यहां पे दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली चीज, मैं केवल उन्हीं स्टॉक्स का चयन करूंगा जो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की दिशा में ही मूव करते हैं। मतलब वो स्टॉक्स दोस्तों, अगर मान लीजिए इंडेक्स, जैसा कि मैंने आपको कहा यहां मैं निफ्टी 50 का एग्जांपल ले रहा हूं, निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो ये स्टॉक्स हमेशा ऊपर जाने चाहिए। दूसरा, अगर निफ्टी 50 नीचे जाता है तो ये स्टॉक्स भी नीचे जाने चाहिए। दोस्तों ये थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि अगर जो निफ्टी की मूवमेंट है ये उसके कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल होने चाहिए। तो यहां पे अगर मान लीजिए निफ्टी ऊपर जाता है तो ये स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, जो कि पहली कंडीशन मीट हो जाएगी। लेकिन अगर ये स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल है तो दोस्तों ये निफ्टी से ज्यादा तेज चाल दिखाएंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए आज इंट्राडे के दौरान मैंने किसी ऐसे स्टॉक को बाय किया, तो मैं वहां पे उस निफ्टी या इंडेक्स को शॉर्ट कर दूंगा, अपनी पोजीशन को हेज कर लूंगा। तो अगर मान लीजिए ये ट्रेड दूसरी दिशा में भी चला जाता है और अगर मान लीजिए स्टॉक उस दिशा में मूव नहीं करता, या मान लीजिए निफ्टी नीचे आ जाता है, ये स्टॉक भी नीचे आ जाता है, तो वहां पे मेरा नुकसान नहीं होगा। दोस्तों नुकसान क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे मैंने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया। लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी आपका दोनों का ट्रेड चल रहा है, दोनों ट्रेड जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, आपके इंडेक्स जो आपने ETF के द्वारा शॉर्ट किया हुआ है और जो आपने स्टॉक बाय किया हुआ है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जब अगर वो स्टॉक या इंडेक्स विपरीत दिशा में चला जाता है तो आप उस पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए जहां पे आपका इंडेक्स का जो बेनिफिट है, क्योंकि आपने उसको शॉर्ट किया हुआ है, और जो आपका स्टॉक का लॉस है वो इक्वल हो जाए, तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आप स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए इंडेक्स ऊपर चला जाता है, ये स्टॉक भी ऊपर चला जाता है, तो वहां पे क्योंकि ये स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल है, ये निफ्टी से ज्यादा मूवमेंट दिखाएगा, तो वहां पे आपको
काफ़ी मुनाफा होगा और इंडेक्स के अंदर आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। इसके लिए दोस्तों आपको हेजिंग के बारे में पूरी तरीके से सीखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों हेजिंग की और भी टेक्निक्स होती हैं जिनको मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में कवर करूँगा। दोस्तों काफ़ी दर्शकों ने मुझसे पूछा कि क्या हम आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं किसी भी इंडेक्स के अंदर। दोस्तों वो भी आप उठा सकते हैं, वहाँ पर आप ETF को कैश सेगमेंट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर उसको ट्रेड कर रहे हैं किसी भी इंडेक्स को, तो यहां पे आप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि ETF के अंदर आपका जो डिफरेंस है, प्रीमियम या जो डिस्काउंट है, वो काफी बढ़ जाता है फ्यूचर के कंपैरिजन में। तो दोस्तों वहां पे आप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का भी फायदा उठा सकते हैं ETF के द्वारा केवल इंडेक्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों काफी लोग जो है वो कवर ऑप्शन स्ट्रेटजीज जो इंडेक्स के ऊपर लगाई जाती हैं, या जिनको कहा जाता है कवर ऑप्शन स्ट्रेटजीज ऑन इंडेक्स, आप उसका इस्तेमाल भी ETF के द्वारा कर सकते हैं। उन स्ट्रेटजीज को आप ETF के ऊपर यूज कर सकते हैं और वहां पे आप फायदा उठा सकते हैं, और वहां पे आपका रिस्क भी काफी कम रहेगा, जैसा कि हमने पॉइंट नंबर एक में डिस्कस किया, क्योंकि आप यहां काफी कम पैसा लगा के ट्रेड कर सकते हैं। आप कैश सेगमेंट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका रिस्क काफी कम रहेगा और आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, जो कि मैं इनडायरेक्टली पहले दो पॉइंट्स में कवर भी कर चुका हूँ, कि आप किसी भी इंडेक्स के अंदर कैश सेगमेंट के द्वारा ट्रेड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस पर्टिकुलर इंडेक्स का ETF अवेलेबल होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप फ्यूचर्स के साथ यहाँ पे कंपेयर करें, फ्यूचर्स में क्या होता है कि वहाँ पे आपको डेली मार्जिन की रिक्वायरमेंट मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप कैश सेगमेंट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स के अंदर ETF के द्वारा, वहाँ पे आपको ऐसी कोई भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने कैश सेगमेंट के अंदर ट्रेड लिया हुआ है और आपने उतना ही रिस्क लिया हुआ है जितना आपने पैसा लगाया हुआ है। मार्जिन के अंदर दोस्तों आपको मालूम ही है कि रिटेल निवेशक जो रिस्क होता है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते या उसको गॉज नहीं कर पाते। दूसरा दोस्तों, वो निवेशक या ट्रेडर जिनको फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करने की परमिशन नहीं मिली है अपने ब्रोकर के द्वारा, या उनका ये मॉड्यूल एक्टिवेट नहीं किया गया है, तो वो भी किसी भी इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं ETF के द्वारा, प्रोवाइडेड उस पर्टिकुलर इंडेक्स का ETF अवेलेबल होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पे आप वॉल्यूम्स का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप निवेश कर रहे हैं दोस्तों, वहां पे ज्यादा वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो वहां पे वॉल्यूम्स का काफी महत्व होता है, आप वॉल्यूम्स को जरूर देखिए। और दोस्तों कैश सेगमेंट का एक और एडवांटेज है कि आप यहां पे किसी भी इंडेक्स के अंदर सिप मोड के द्वारा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों सिप मोड आपको खुद मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हर महीने आप इंडेक्स ETF के अंदर निवेश करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए, तो वहां पे आप उतने ही यूनिट्स बाय कर सकते हैं। अगर आपका निवेश का अमाउंट कम है सिप के लिए, तो तब भी आप छोटे से छोटा यूनिट भी बाय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पॉइंट नंबर एक में बताया कि जो भी आपके इंडेक्स की वैल्यू चल रही है इस समय, आप उसका 1/10 या 1/100 हिस्सा भी निवेश कर सकते हैं, उतनी वैल्यू का भी आप इंडेक्स बाय कर सकते हैं ETF के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि अगर आप किसी इंडेक्स के अंदर ETF के द्वारा निवेश करते हैं, तो वहां पे अगर आपको अपनी पोजीशन रोल ओवर करनी है तो उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी, वहां पे आपका कोई भी रिस्क नहीं है। जबकि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन या डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे अगर आप अपनी पोजीशन को रोल ओवर करते हैं, तो दोस्तों वहां पे आपकी कॉस्ट लगती है, वो एक कॉस्ट अटैच होती है उसकी, और वहां पे रिस्क भी काफी ज्यादा हाई होता है। यहां पे दोस्तों रोल ओवर जो है वो 3 महीने तक अलाउड होता है, लेकिन अगर आप ETF के द्वारा निवेश कर रहे हैं तो यहां आपका जो निवेश है वो ऑटोमेटिकली रोल ओवर होता जाएगा। आपको एज सच कुछ भी रोल ओवर करने की आवश्यकता नहीं है, आप जब तक चाहें अपनी पोजीशन बना सकते हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो यहां पे आपका ये रिस्क खत्म हो जाता है। केवल एक लिमिटेड टाइम तक ही अपनी पोजीशन को रोल ओवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के, रोल ओवर की टेंशन के, तो वहां पे आप ETF के द्वारा निवेश कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां पे आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी रोल ओवर करने के लिए। दोस्तों पांचवा पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। दोस्तों अगर आप ETF बाय करते हैं तो वहां पे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब अगर आप एक साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो वहाँ पे आपका जो गेन होगा ETF के अंदर, बेसिकली वहाँ पे आपने इंडेक्स में निवेश किया हुआ है लेकिन आपका जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपका गेन जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, या कुछ केसेस के अंदर दोस्तों वो आपकी स्पेक्यूलेटिव नॉन स्पेक्यूलेटिव इनकम भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये ट्रेड है या जो भी आप निवेश कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से देखा जाए, आप ETF के अंदर निवेश करके उसकी डिलीवरी ले लीजिए, उस यूनिट्स की डिलीवरी ले लीजिए। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे ETF की जो ट्रेडिंग होती है दोस्तों वो स्टॉक की तरह होती है। तो अगर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको इनकम टैक्स वाले वीडियो में बताया था कि स्टॉक मार्केट में आपकी इनकम किस तरीके से टैक्स होती है, तो वहां पे ETF के अंदर अगर कोई भी निवेश किया जाए, वहां पे अगर आप डिलीवरी ले रहे हैं वहां उस पर्टिकुलर ETF के यूनिट्स की और डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां पे ये जो इनकम है या गेन है, ये मुनाफा जो भी आप अर्न करेंगे इस ETF के निवेश से, वो आपकी बिजनेस इनकम नहीं गिना जाएगा, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पे अगर आप ETF के अंदर निवेश करते हैं, आप इंडेक्स के अंदर ETF के द्वारा निवेश करते हैं, तो वहां पे आपको काफी टैक्स बेनिफिट भी हो सकते हैं। तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन पे डिपेंड करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे छठा पॉइंट जो है वो डिविडेंड से संबंधित है, और एक दर्शक ने ही क्वेरी मुझसे पूछी थी कि अगर मान लीजिए कोई भी इंडेक्स जो ऐसे स्टॉक्स के अंदर निवेश करता है जहाँ पे हाई डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, तो उस डिविडेंड का एक्चुअली क्या किया जाता है। तो दोस्तों जो भी आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि ओपन एंडेड हैं उसके अंदर जो भी डिविडेंड मिलता है ETF को, वो उसको रीइन्वेस्ट कर देते हैं उसी स्कीम के अंदर। तो दोस्तों मान लीजिए एक पर्टिकुलर ETF है, उसके अंदर हाई डिविडेंड स्टॉक्स हैं, तो जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया गया वो उसको वहीं पे रीइन्वेस्ट कर देंगे। तो वो जो डिविडेंड है दोस्तों वो निवेशकों को नहीं मिलता, वो उसी स्कीम के अंदर निवेश कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये आपने सवाल मुझसे लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी पूछा था, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा अगर आप ETF के अंदर निवेश कर रहे हैं, चाहे उसके अंदर हाई डिविडेंड स्टॉक्स हैं। नॉर्मली दोस्तों आपको जो आपके फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बताएंगे कि आप इस पर्टिकुलर ETF में निवेश करिए या उस पर्टिकुलर ETF में निवेश करिए, अगर वो आपको ETF सजेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको बताएंगे इसके अंदर हाई डिविडेंड स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों वहाँ पे हाई डिविडेंड स्टॉक्स होने से कोई बेनिफिट नहीं है उस पर्टिकुलर ETF को, जो भी डिविडेंड मिलेगा वो रीइन्वेस्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सातवां और आखिरी पॉइंट जो है वो ये कि अगर मान लीजिए डिस्काउंट ETF के अंदर जो डिस्काउंट है दोस्तों, अगर वो ज़्यादा है फ्यूचर्स के अंदर जो डिस्काउंट चल रहा है, तो आप उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों ये ऐसा काफ़ी रेयरली होता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ETF के अंदर इस समय कितना डिस्काउंट चल रहा है या फ्यूचर्स के अंदर इस समय कितना डिस्काउंट चल रहा है। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि डिस्काउंट के अंदर डिफरेंस क्यों होता है। दोस्तों इसके अंदर कई बार क्या होता है कि एकदम बाइंग या सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होने से प्रीमियम या डिस्काउंट जो है वो काफ़ी शार्पली वेरी करता है। तो मान लीजिए दोस्तों अगर आप ETF भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और फ्यूचर्स भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स का, तो वहाँ पर अगर आपको दिखे कि इस समय ETF में डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है फ्यूचर्स के डिस्काउंट से, तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और वहाँ पर आपको बहुत एक जिसको कह लीजिए कि बहुत जल्द एक क्विक मुनाफा आप वहां पे कमा सकते हैं पोजीशन लेके मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये थे सात महत्वपूर्ण पॉइंट इंडेक्स ट्रेडिंग से संबंधित, और सातों पॉइंट्स का जो है लिंक दोस्तों वो ETF से है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो दोस्तों इसलिए अगर आप इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंडेक्स को आप कैश सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं, या एक छोटी पोजीशन लेना चाहते हैं, या मान लीजिए आप उसको शॉर्ट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें संभव हैं ETF के द्वारा। मुझे उम्मीद है जिन दर्शकों ने मुझसे ये सारी क्वेरीज पूछी थी दोस्तों, उनका जवाब मैंने आज के इस वीडियो में दिया। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो आप इसे अपने सोशल मीडिया
प्रोफाइल या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जरूर शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस जानकारी का लाभ उठा सके, फायदा उठा सके। दोस्तों इस वीडियो का विषय यदि आपको पसंद आया तो आप नीचे दिखाए गए लाइक आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मुझे पता लगता रहता है कि आपको कौन से वीडियोज देखने पसंद है, कौन से वीडियोज आपको पसंद नहीं आते। दोस्तों ये वीडियो मैंने केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया था। इसका एक डिस्क्लेमर भी है जो कि इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया है, आप उसे जरूर पढ़ लें। स्टॉक मार्केट में किसी भी निवेश से पहले दोस्तों अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। आज के इस वीडियो में मैंने जो भी बातें डिस्कस की हैं दोस्तों वो केवल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। मेरी आपको किसी भी तरह से कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की पोजीशन लें, बाय सेल या होल्ड की। दोस्तों किसी भी निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।